Hi, my name is Renu from Is My Idea. So, आज हम लोग बनाएंगे ठंडाई. So, मैं ठंडाई का इंस्टेंट मिक्स पाउडर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेसिपी जो हम बना करके फ्रिज में रख सकते हैं. ऑलमोस्ट आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखिए, ये एक महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है. तो चलिए फिर तुरंत हम लोग बनाना शुरू करते हैं. So, हम सबसे पहले ठंडाई के लिए हम ये डालेंगे. एक कप मैंने ये बादाम लिए, ये बादाम, और ये आधा कप हमारे काजू, और ये हमारे पिस्ताचू हैं आधा कप, और ये साथ में मैंने डाले हैं ये चार मगज जो हैं, आधा कप हमारे चार मगज. तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ. मैंने बिल्कुल पीस लिया है, तो इसको इसकी ऐसे थोड़ा सा हल्का सा दरदरा है, बिल्कुल पाउडर नहीं है ये थोड़ा सा, क्योंकि जब इसे हम पीते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा मुँह में ड्राई फ्रूट्स आए तो अच्छा स्वादिष्ट लगता है. तो आप चाहें तो इसे बिल्कुल पतला पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा हल्का सा दरदरा रखा है. और अब हम इसका मसाला बनाएंगे. तो इसमें मैंने डाला है ये एक चम्मच है ब्लैक पेपर, ये लिए हैं मैंने 1.5 इसे 2 स्टार नीश हैं. इसका ना बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है. और ये है 1 स्पून ऑफ रोज पेटल है, ड्राइड रोज पेटल है. तो ये ऑप्शनल है, ये जस्ट खुशबू के लिए है. तो ये है, और ये डाली है, ये हरी इलायची है. तो मैंने इसका छिलका बाहर निकाल लिया है, सिर्फ मैं बीजे बीज डाल रही हूँ. तो ये 10 to 12 है मैंने हरी इलायची का ये बीज लिए हैं अंदर से. और ये है मेरे पास, ये मैंने 3 स्पून ये खसखस लिया है मैंने. इसीलिए मैं इसको अलग कॉफी ग्राइंडर में पीस रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ है इसका बिल्कुल हमें महीन पाउडर बनाना है. तो ये मैंने डाला, और ये मेरे पास है 2 चम्मच मैंने लिया है सौंफ. ठीक है, तो मैं इसको पीसूंगी. और साथ ही में हम लोग क्या डालेंगे, थोड़ा सा हम लोग डालेंगे इसमें सैफरॉन के थोड़े से स्ट्रिंग्स डाल देंगे. साथ ही में मैं अब इसको पीसती हूँ, पीस करके लेके आती हूँ. तो ये देखिए मैंने ये बिल्कुल पीस लिया है, ये बिल्कुल महीन पीस लिया है. अब हम इनको मिक्स कर देंगे आपस में. इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी, मैं आपको बता नहीं सकती. रोज पेटल डाला है ना, और साथ ही में इलायची वगैरह सभी चीज़ों की बहुत ही अच्छी खुशबू. और ये सबसे बेस्ट है कि आप इसे बना करके ना एक महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है. और इसको जब जब आपकी इच्छा है फिर आप इसे बस दूध में मिलाइए और पीजिए. मैंने क्या किया है, ये मैंने 1 कप मैंने गर्म दूध लिया है. तो अब मैं इसमें आज आपके साथ बनाऊंगी, मैं 2 ग्लास बनाने के आपको बताऊंगी कैसे बनेगा. तो ये जो हमने ये लिए है ना, ये जो मसाला है, इसमें हम लोग ये डालेंगे 4 चम्मच गरम दूध में. आप 4 चम्मच इसको डालिए. और इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे. और है 1 कप के लिए आपको 2 चम्मच मसाला डालना है 1 ग्लास के लिए. और साथ ही में शुगर डालिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से. आपको शुगर चाहिए तो आप शुगर डालिए, आपको हनी डालना है या बिना शुगर के पीना है. इस शुगर इज़ अ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको कितना मीठा चाहिए. थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है. और फिर इसको हम लोग इसमें ठंडा दूध डालेंगे और फिर हम इसको सर्व कर सकते हैं. थोड़ी देर हमें इसलिए इसको रखना है जिससे कि अच्छे से पूरे फ्लेवर सारे के सारे दूध में आ जाएँ. तो हम इसको बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ मैं. फिर उसके बाद मैं इसे ठंडा दूध मैं इसमें मिक्स करूँगी और फिर हमारी ठंडाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी. ओके, तो हमारा ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है. अब हम इसमें मिलाएंगे ठंडा दूध. और ये हमारी ठंडाई बिल्कुल रेडी है. अब आप इसको अगर आप चाहें तो आप छान करके पीजिए, लेकिन मुझे तो ये जो थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो मुझे तो ये अच्छे लगते हैं, तो मैं ऐसे ही पीऊंगी. हम लोग ऐसे ही सर्व करते हैं. तो अब आप ये देखिए, तो इस होली में आप लोग ये ठंडाई ज़रूर बनाइए.
और बना करके रखिए। और जिसको थोड़ा सा हल्का सा और मज़े लेने के लिए, तो आप इसमें दो शॉट वॉडका डालिए और मज़े से इंजॉय करिए होली का पूरा मज़ा लेने के लिए। ये मैंने सर्व कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे रोज पेटल के साथ, थोड़ा सा ऊपर से पिस्टाचू। तो आप भी बनाइए इस समर में, होली में ये ड्रिंक बनाइए और सर्व करिए। तो ये हमारी बिल्कुल ठंडाई बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसे इंजॉय करिए इस होली में, और इसे बना करके, ऐसे बना करके आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। इट्स माई आइडिया रेनू एंड सी यू सून विद मोर न्यू एक्साइटिंग रेसिपीज एंड मोर कुकिंग आइडियाज। थैंक यू।